प्रेरणा कथा सुखी परिवार। साधना आज बहुत ही प्रसन्न दिख रही है। आज उसका जन्मदिन है और हर जन्मदिन की तरह उसको बहुत से लोगों से उपहार प्राप्त होंगे। एक दिन के लिए तो विशेष हो ही जाता है, उसको ये सब अच्छा लगता है। वो सुबह सुबह उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल ठीक किए। उसके पिताजी ने पीछे से आकर उसको पीछे से अपनी बाहों में लपेट लिया और उसके सर को चूम लिया। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेटी, भगवान तुमको बहुत लंबी उम्र दे। साधना मुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, धन्यवाद डैडी। उसने अपने पिता का गाल चूम लिया। बाप ने बेटी के सर पर हाथ रखकर फिर से आशीर्वाद दिया। राजन, साधना के पिता ने उसको पूछा, आज हमारी बेटी को अपने जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए? साधना ने मुस्कुराकर कहा, कुछ भी नहीं चाहिए डैडी। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जन्मदिन की मुबारकबाद देने के लिए भी समय नहीं है। साधना ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ अपने कामों में व्यस्त थी। मीरा, साधना की माँ मुड़ी और चेहरे पर एक दुखद मुस्कान लाकर बोली, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक मेरी बेटी। साधना ने अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं दिया और जाने को हुई, पर उसके पिता ने संकेत किया, साधना तुम्हारी माँ ने तुमको जन्मदिन की बधाई दी है, वो तुम्हारी माँ है, उनको धन्यवाद करना तुम्हारा धर्म है। राजन की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। मीरा ने राजन से कहा, साधना को आज कुछ मत कहिए, आज खास दिन है। साधना ने गुस्से में अपनी माँ को कहा, आप चुप रहिए माँ, आप ही सबके लिए जिम्मेदार है। हर वर्ष आप मेरा जन्मदिन खराब कर देती हैं। मेरे सभी दोस्त अपना जन्मदिन मनाते हैं, पर मेरी ये माँ तथाकथित सौतेली माँ मुझे कभी भी खुश नहीं देखना चाहती है। इससे पहले के साधना कुछ और कह पाती, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। राजन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। साधना ने भी गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा और वहां से चली गई। मीरा ने राजन की तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मीरा ने कहा, आपने उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी बहुत छोटी है, आप समझते क्यों नहीं? राजन ने उसी गुस्से में कहा, 14 वर्ष की हो गई है और उसको अब तो मालूम होना चाहिए कि क्या ठीक है क्या गलत है। मीरा ने कहा, आज आप चुप रहिए, आज उसका जन्मदिन है और आज आपका फर्ज है कि आपकी बेटी खुश रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण से हमारी बेटी मुस्कुराना छोड़ दे। राजन उठा और दूसरे कमरे में गया जहाँ उसकी बेटी सुबक रही थी। उसने बेटी के सर पर हाथ रख दिया और उसको पुचकारने लगा। राजन ने साधना से कहा, क्या मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करेगी? तो फिर मैं पार्टी किसके साथ मनाऊंगा? राजन के चेहरे पर मुस्कान देखकर साधना ने रोना छोड़ दिया और अपने पिता के गले में भाई डाल दी, थैंक यू डैडी, हम आज खूब मजा करेंगे। राजन ने कहा, चलो अब जल्दी करो और तैयार हो जाओ, आज हम तीनों पार्टी करेंगे। तीनों सुनते ही साधना समझ गई कि राजन उसकी माँ को भी साथ ले जाना चाहते थे। उसकी मुस्कान गायब हो गई, फिर भी वो तैयार होने चली गई। थोड़ी देर बाद एक बहुत बड़ी कार उनके दरवाजे पर आकर रुकी। राजन, मीरा और साधना उस कार में बैठ गए। कार तालाब के किनारे के पार्क की तरफ चल गई। अचानक कार के सामने एक ट्रक आ गया। मीरा ने उस ट्रक को देख लिया। मीरा ने तुरंत राजन और साधना को जोर से नीचे झुका दिया और वो दो सीटों के बीच फर्श पर पहुंच गए। बहुत भयंकर दुर्घटना हुई। मीरा को इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया। राजन और साधना बिल्कुल सुरक्षित थे। कार का छत नीचे आ गया था और सीधा मीरा के सर से टकराया था। साधना और राजन को बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। राजन की आंखों में आंसू देखकर साधना ने उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। डैडी, आप रोइए मत, माँ ठीक हो जाएगी। साधना की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो नहीं जानती थी कि वो क्यों रो रही थी। उस दिन से पहले उसने कभी भी मीरा को मां समझकर आदर नहीं किया था। राजन भी समझ गया कि उसकी बेटी बहुत ही दुखी थी। राजन ने कहा, साधना बेटी, तुमने कभी भी मीरा को अपनी मां नहीं माना और उसको कभी भी प्यार नहीं किया। आज मैं तुमको बताता हूँ, मीरा तुम्हारी माँ अंबिका की बहन है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद मीरा को बहुत दुख हुआ। उसको बहुत अच्छे अच्छे पति मिल जाते, पर वो तुमसे बहुत प्रेम करती थी और उस समय तुम सिर्फ 3 साल की थी।
तुम्हारी देखभाल करने के लिए मीरा ने मुझसे शादी की है। वो ऑपरेशन करवाकर मेरी पत्नी बनने को तैयार हुई थी ताकि कभी भी माँ ना बन सके। मीरा ने सिर्फ तुमको ही अपनी बेटी माना और अपने बच्चों को जन्म देने से इनकार कर दिया। तुमने मीरा को बहुत गलत समझा बेटी। साधना के हाथ पांव कांपने लगे। उसने कितना बुरा किया था। उसने हमेशा ही मीरा को बुरी औरत माना था, जबकि साधना की खुशी के लिए मीरा ने माँ बनने से भी इनकार कर दिया था। मीरा के सर का ऑपरेशन हुआ और 8 घंटे के बाद उसने आंखें खोली। उसने साधना को देखकर कहा, तुम ठीक हो बेटी? साधना ने झुककर मीरा के गाल पर चूम लिया और कहा, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आज के बाद मेरी जिंदगी का हर दिन ही आपके साथ खास होने वाला है। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, तुम मेरे साथ होगी तो हर दिन ही विशेष होगा। राजन भी खिड़की में से माँ बेटी को कमरे में देख रहा था। उसके चेहरे पर भी एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान थी। मित्रों, ये ठीक है कि जन्म देने वाली माँ सबसे ऊपर होती है, परंतु हमको ये नहीं मान लेना चाहिए कि हर सौतेली माँ बुरी होती है। हमको लोगों के दिल की बात को समझ लेना चाहिए और फिर कोई भी निर्णय लेना चाहिए। हर औरत बुरी तो नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।